दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट और मॉडल के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाड़ियों के जो टायर में ये जो नंबर होते हैं 185/60, R15, F84T, इनका मतलब क्या होता है, क्या क्या इनकी कोडिंग होती है और किस तरीके से ये काम करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पर हूँ मैं इंदिरा व्हील्स में। इस वर्कशॉप के जो ओनर हैं रत्नेश जी, आज उनसे हम बात करेंगे। रत्नेश जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। जी सर, आज के हमारे इस वीडियो में ये जो टायर में कोडिंग होती है, हम आपसे इन कोडिंग्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को टायर खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं जो इनको पढ़कर हम समझ सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रत्नेश जैन, इंदिरा व्हील्स जवाहर चौक भोपाल से मैं हूँ और मैं ये आपको समझाता हूँ। ये जो टायर में आप कोई भी पैसेंजर कार का टायर लेंगे या कोई भी टायर लेंगे, चाहे टू व्हीलर का ले, चाहे फोर व्हीलर का, चाहे ट्रक का, उनमें ये सारे नंबर आपको देखने मिलेंगे। हाँ, मैं माफ बता देता हूँ। अपन जो भी गाड़ियाँ लें, चाहे कार की लें, चाहे टू व्हीलर की लें, उसके जो भी टायर रहते हैं, सब में आपको ये नंबर ऐसे लिखे हुए मिलेंगे 3 डिजिट। जो ये पी का मतलब होता है, मतलब पैसेंजर कार एरियल, जो अपनी जितनी भी कार है उस पर पी आपको लिखना मिलेगा। ये इसका मतलब ये होता है कि पैसेंजर, मतलब हम जो डेली यूज में जितनी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उनका पैसेंजर, उसको पैसेंजर कार एरियल बोलते हैं। PCR मतलब पैसेंजर कार एरियल, जितनी भी हम अपनी गाड़ी खुद की चलाते हैं, अपने घरों में जो यूज़ करते हैं। जो ये 205 लिखा रहता है, ये उनकी टायर की विड्थ, मतलब चौड़ाई, जो जितना आपके चौड़ाई, जो अपने आपके टायर की जो चौड़ाई है उसका ये होता है। और ये जो 55 होता है, ये आपकी होती है साइड वॉल वेट, मतलब लंबाई, आपके टायर की लंबाई कितनी है। और ये जो R होता है, ये रिम का होता है, जो आपकी गाड़ी में जो रिम रहता है, रिम डायमीटर। और ये जो 16 है, मतलब कितने डायमीटर का आपका रिम है, मतलब ये 16। तो ऐसा होता है 205/55, R16, मतलब चौड़ाई, लंबाई और आपका रिम डायमीटर। और जो ये 91 होता है, ये आप इसको लोड इंडेक्स कहा जाता है, मतलब इसके ये कोडेड लैंग्वेज होती है 91 का मतलब होता है कि आपका जो एक टायर का जो लोड है वो कितना उठा सकती है। तो 91 कोड है, 91 का मतलब होता है 615 kg का लोड आपका एक टायर उठा सकता है। उसी प्रकार जो एस होता है, ये स्पीड रेटिंग का होता है, ये हमेशा आपको पैसेंजर का रेडियल में एस मिलेगा या टी मिलेगा। जो टी और जो एस होता है, मतलब कितने लिमिट तक कि आप ये टायर, आप जैसे जो एस होता है 180 किलोमीटर प्रति रफ्तार के टायर पे आप इसको चला सकते हैं, ये रहता है। ये सब अलग अलग चार्ट, ये कोडिंग होती है, अलग अलग होता है, ऐसे 91 भी होता है, 90 भी होता है, 89 भी होता है, ऐसी एस यू वी, ये अलग अलग कोडिंग होती है, ये अलग अलग चार्ट के हिसाब से होता है। इसके अलावा रत्नेश जी, और क्या क्या चीज़ें जो टायर खरीदते समय किसी भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपने पैसेंजर कार के बारे में बता दिया, अगर कोई हमारा व्यूअर जो छोटा कमर्शियल व्हीकल चलाता है उसमें तो, भी सेम चीज़। अच्छा, उसमें भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लोड इंडेक्स भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी, बस उसमें पी नहीं लिखा होगा। ये पी आपको सिर्फ पैसेंजर कार में मिलेगा। और अब तो ये अब इसमें लिखना भी बंद हो गया है, बहुत सारे कंपनियों ने अब लिखना भी बंद कर दिया है, क्योंकि अब कार रेडियल अलग हो गया है, ट्रक रेडियल अलग हो गया है, टू व्हीलर रेडियल अलग हो गया, और लाइट ट्रक कमर्शियल व्हीकल अलग हो गया है, तो अब ये लिखना ही बंद हो गया है। तो रत्नेश जी, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये तो था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको टायर के जितने भी सिंबल्स होते हैं उनके बारे में जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए क्राफ्ट और मॉडल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।